तो है तो गाइस कैसे सबसे लोग वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं अपना एक इंचेंटिंग रूम, क्योंकि मेरे पास इंचेंटिंग का कोई भी टेबल वगैरह नहीं था तो वो काफ़ी सही रहता है, क्योंकि उसको अगर फुल मैक्स लेवल कर दो तो वो काफ़ी अच्छी अच्छी इंचेंटमेंट दे देता है काफ़ी सस्ते में। तो आज हम वही बनाने वाले हैं, तो चलते अपनी वीडियो की ओर। तो गाइस अपना इंचेंटिंग एरिया बनाने के लिए पहले यार ये कारपेट लगाओ। ये कारपेट बार 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 टूट हो जा रही है, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से लगा देते हैं इसको भी। और मैं कुछ अपने एमराल्ड्स ढूंढ रहा था, और एम मेरे को जब याद आया कि अपना एक अपना ये क्या कहते हैं इसको चेस्ट रूम भी तो है, उसके अंदर होगी। तो यहाँ पर तो अपने ब्लॉक्स रखे हुए हैं सारे एमराल्ड के, इनको नहीं छेड़ने वाला मैं। ऊपर देखते हैं अपना जो अपना रॉ मटेरियल वाला है जिसके अंदर ब्लॉक्स वगैरह नहीं रहते, जैसे ये डायमंड इसके अंदर अपने पड़े हुए हैं। ये देखो कितने सारे पड़े हुए हैं अपने एमराल्ड्स, और मेरे काफ़ी सारे डायमंड्स भी जिनको मैं और लैपिस भी निकाल लेते हैं यहाँ से, लैपिस लजूली। यहाँ पर मैं गाइस अपने विलेजर ट्रेडिंग हॉल में आ चुका हूँ, और यहाँ पर अपने निकालते हैं अपने हैंड में एमराल्ड्स। देखते हैं कौन सा लाइब्रेरियन दे रहा है हमको बुक शेल्फ। तो ये तो लाइब्रेरियन नहीं है, ये एक लाइब्रेरियन दिख रहा है मेरे को, क्या पता ये दे दे। पर ये नल्ले विलेजर बार बार सामने आ रहे हैं, तो ये तो नहीं दे रहा यार मेरे को। तो यहाँ पर कुछ ये तो नहीं दे रहा, तो अपने देखते हैं मैक्स लेवल का था ये वाला दे रहा है, ये हाथ में पकड़ो खड़ा है तो ये दे रहा है अपने को बुक सेल्फ। तो इससे ले लेते हैं सारे के सारे भाई, 9 एमराल्ड्स के दे रहा है, कोई बात नहीं ले लेते हैं, एमराल्ड्स की कमी नहीं है अपने पास, बहुत खजाना पड़ा है अपने पास। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से सारे निकाल लेते हैं अपने। तो गाइस अपने बुक शेल्फ लगाने भी शुरू कर देते हैं कुछ इस टाइप से, यहाँ पर भी लगाते हैं, और मैं सारे में ही लगा के चलूँगा अगर। पर यहाँ पर मैं तोड़ के देख लेता हूँ इसको, यहाँ पर लगाना भी नहीं है तो मैं सिल्क टच से तोड़ रहा हूँ पहले। हाँ तो मिल जाएगा मेरे को, अगर मैं तोड़ना चाहूँगा तो मिल जाएगा है मेरे को। तो यहाँ पर मैं कुछ इस टाइप से एक ब्लॉक पर यार लगा देते हैं, सारे में फिल ही कर देते हैं, कोई बात नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कोई बात उसके अगर बीचों बीच नहीं आया अपना इंचेंटिंग टेबल तो हम चेंज कर देंगे इसकी डायमेंशन। तो गाइस मेरे को चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि बीच में अपना इंचेंटिंग जो होता है ना वो इंचेंटिंग टेबल वो नहीं आ रहा था बीच में। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से इसको एक ब्लॉक इधर करना पड़ा मेरे को। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से हमको बुक शेल्फ लगा देने हैं अब, और यहाँ पर दो ब्लॉक लगा देते हैं, इधर वाला एक ब्लॉक तोड़ देंगे हम। तो कुछ इस टाइप से अपना कुछ लग रहा है एरिया, तो ये वाला हमको तोड़ना पड़ेगा। हम एक्स से तोड़ के देखते हैं, तो हाँ सिर्फ और सिर्फ हम सिल्क टच से ही तोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमारा कुछ इस टाइप से बीचों बीच अपना इंचेंटिंग टेबल आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको बनाने में, बस ये है ये देखना पड़ गया कि बीचों बीच आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से अपना बन चुका है, पर यहाँ पर अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से इसको तोड़ना पड़ेगा। पर अपनी पिकैक्स इतनी फास्ट है कि एक ब्लॉक तोड़ो तो दो ब्लॉक तोड़ के जाती है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऊपर चढ़ के ये ब्लॉक लगाना पड़ेगा, और फिर से ये वाला ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा। बुक सेल्फ को तो नहीं तोड़ेगी इतनी जल्दी, अब ये वापस के लगा दिया मेरे को। यहाँ पर लैंटर्न लगानी थी, यहाँ पर कुछ टाइप से हमको सी लैंटर्न लगा देनी है, तो काफ़ी अच्छी रोशनी हो गई है। और इनको इसको मैं एक एक लेयर और लगा देता हूँ, काफ़ी अच्छा हो जाएगा, अच्छी लगेगी काफ़ी। तो यहाँ पर मैं इस बार भाई गलती नहीं करने वाला, इस बार तो मैं शवल से ही तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि इसके ऊपर सिल्क टच लगा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से इसको तोड़ लेते हैं, और वापस से लगाना शुरू कर देते हैं यहाँ पर। और ये वाला भी लग चुका है, बस एक साइड रह गई है, तो जल्दी जल्दी से लगा देता हूँ इसको। तो गाइस मैंने अपना पूरा कंप्लीट कर दिया है, अब देखते हैं हमको क्या क्या इंचेंटमेंट दे रहा है ये। तो यहाँ पर अपनी चेस्ट प्लेट पर लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से हमको लैपिस डालना है, तो 11 लेवल में ब्लास्ट प्रोटेक्शन मिला है यार, तो कोई बात नहीं ये भी अच्छा है। तो हम ग्राइंडिंग स्टोन से इसको हटा के फिर से लगा के देखेंगे कौन सी इंचेंटमेंट लगी हमको। तो कुछ इस टाइप से हम अपना ग्राइंडिंग स्टोन लगा देते हैं कहीं पर, इस जगह पर लगा देते हैं, और यहाँ पर अपनी जो चेस्ट प्लेट है उसको वापस से हम वो कर देंगे, हटा देंगे इसके ऊपर से अपनी कहते हैं इंचेंटमेंट। इस बार लगा के डाल के देखते हैं, यहाँ पर प्रोटेक्शन 1 है, अनब्रेकिंग 1, प्रोटेक्शन 2 लेके देखते हैं। तो गाइस प्रोटेक्शन 2 मिल चुका है, तो गाइस ये भी काफ़ी अच्छा है, ये इंचेंटेड तो दिखाया। तो गाइस आपको ये कैसा लगा इंचेंटिंग रूम, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। तो मैं मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।